हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनुप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के अपडेट आपको मिल सके। हम करेंगे आज क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 का डिफरेंशिएबिलिटी। इससे पहले हमें क्लास 11 में लिमिट और डेरिवेटिव मिला था। लिमिट में दरअसल हम करते थे कि किसी फंक्शन का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है वो हम चेक करते थे। कंटिन्यूटी में हम चेक करते थे कि वो कर्व जो है, वो एक फंक्शन जो है, वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, मतलब कहीं पे ब्रेकिंग है या वो बिना ब्रेकिंग का है, मतलब उस कर्व को हम बिना अपने पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंटिन्यूटी में। डिफरेंशिएबिलिटी में हम ये चेक करते हैं कि जो कर्व हमारा दिया गया है, जो फंक्शन दिया गया है, वो स्मूथ है या नहीं है। तो कहीं पे उसमें कोई शार्प एज है या नहीं है, क्या ये कर्व स्मूथ है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पे तो इसका मतलब उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इस पे चलते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलता है वो देखते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। लेट एफ बी ए रियल फंक्शन एंड ए ए रियल नंबर। वी से दैट एफ इज डिफरेंशिएबल और डिराइवेबल at a if limit extends to a f of x minus f of a divided by x minus a exist and if finite. We denote this limit by f dash a called the derivative or differential coefficient of f at a. Symbolically, we may write it as f dash a is equal to limit x tends to a f of x minus f of a divided by x minus a comma x is not equal to a. अब दरअसल अगर हम यहां पे x के जगह पे a plus h बिठा दें तो हमारा जब x का वैल्यू a के पास जा रहा है तो h का वैल्यू हमारा जीरो के पास जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा f dash a is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a divided by a plus h minus a. अब ये minus a और plus a cancel हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा limit h tends to 0 f of a plus h minus f of x divided by h. Next देखते हैं right hand derivative. Limit x tends to a plus f of x minus f of a divided by x minus a if it exists finitely is called the right hand derivative of f of x at x is equal to a and is denoted by r f dash a or f dash a plus 0. Symbolically, f dash a plus 0 is equal to limit x tends to a plus f of x minus f of a divided by x minus a. X is not equal to a if it exists. अब इस चीज को हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। अगर हम पकड़ लेते हैं x का वैल्यू a plus h है और हम h को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h होगा। तो दरअसल इसे हम राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a इफ इट एग्जिस्ट फाइनेटली is called the left hand derivative of f of x at x is equal to a and is denoted by l f dash a or f dash a minus 0. Symbolically, f dash a minus 0 is equal to limit x tends to a minus f of x minus f of a divided by x minus a. X is not equal to a if it exists finitely. तो इस चीज में हम फिर से अगर x का वैल्यू a प्लस h डालते हैं और h का वैल्यू अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है जीरो के पास तो यहां क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस
f of a plus h minus f of a divided by h. देखिए दरअसल हमने क्या देखा कि ये हमारा f dash a plus 0, इसको हम लिख सकते हैं r f dash a भी लिखते हैं, इसके बराबर ये हो गया, और इसका मतलब हो गया, इसको हम बोलेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी. तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो यहां पे इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा h. ठीक है, ठीक उसी तरह से एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लिखेंगे एल एफ डैश ए, या इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश ए माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए. तो यहां पे हम चाहें तो इसको फिर से h की फॉर्म में ले सकते हैं. तो यहां पे हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h. तो आपको यहां पे एक चीज जानना है, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. अगर किसी भी फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करता है, फाइनाइट क्वांटिटी आता है और दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आता है, मतलब एल एफ डैश ए का वैल्यू अगर आर एफ डैश ए के वैल्यू के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. ठीक है, तो एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों ही इक्वल हो जाए. तो हम बोलेंगे ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिराइवेबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ द राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए एग्जिस्ट एंड इक्वल एंड इज डिनोटेड बाय एफ डैश ए. एक एन भी और है, इसे हम देखेंगे. A function f is said to be differentiable in the closed interval AB if it is differentiable at every point of closed interval AB. For the differentiability of f at the end points A and B of the closed interval AB, we consider the existence of only right hand derivative at A and left hand derivative at B respectively. Similarly, a function is said to be differentiable in the open interval AB if it is differentiable at every point within the interval. तो दरअसल इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक इंटरवल है, ये आपका पॉइंट है A और ये है आपका पॉइंट B. तो इस ओपन इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, विदिन द इंटरवल में ये फंक्शन जो भी आपका कर्व होगा वो अगर स्मूथ कर्व है तो हम इसको बोलेंगे डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल एबी. और क्लोज्ड इंटरवल का बात जब आएगा तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड के बारे में हमें कुछ नहीं पता. अगर सिर्फ हम राइट साइड का यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी कंसीडर करेंगे एट द पॉइंट ए पे, अगर ये एग्जिस्ट करता है और यहाँ बी पे हम सिर्फ लेफ्ट साइड देखेंगे राइट साइड नहीं देखेंगे क्योंकि हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, हम बी तक के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे एट द पॉइंट बी पे. तो यहाँ पे अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और यहाँ पे इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है और विद इन द इंटरवल अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम बोलेंगे कि विद इन द क्लोज्ड इंटरवल ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. दरअसल इस क्लोज्ड इंटरवल में जो भी यहाँ पे कर्व होगा वो कर्व अगर स्मूथ होता है तो हम बोलेंगे विद इन द क्लोज्ड इंटरवल दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. और जब ओपन इंटरवल के बारे में बोला जाएगा तो ओपन इंटरवल का मतलब हो रहा है कि हम इस बाउंड्री पॉइंट को नहीं ले रहे हैं, विद इन दिस इंटरवल मतलब
विद इन दिस टू पॉइंट्स ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा, मतलब ये कर्व एक स्मूथ कर्व होगा, इसमें कोई भी शार्प एज नहीं होंगे। अब शार्प एज का मतलब क्या हो रहा है कि मान लीजिए कोई कर्व इस तरह का भी हो सकता है, तो ये देखिए जो शार्प एज निकला हुआ है इसको हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। दरअसल डिफरेंशिएबिलिटी हमको बताता है कि किसी कर्व पे हम क्या टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपका कर्व कुछ इस तरह का हुआ, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपका कर्व अगर इस तरह का हुआ तो क्या आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि टेंजेंट हम सिर्फ एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट हमेशा किसी भी कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चाहूं तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखिए एक साथ मैं बहुत सारे लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टेंजेंट के डेफिनेट कॉन्सेप्ट को ही गलत ठहरा देता है, क्योंकि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे सिर्फ एक हो सकता है। तो शार्प एज पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ पे बोला गया है डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कि अगर कर्व आपका स्मूथ है तभी आप उस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी दरअसल हमें क्या समझाता है कि एक फंक्शन जो आपको दिया गया है उस फंक्शन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम देखते हैं कि वो कर्व स्मूथ है या नहीं है, मतलब हम वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। इस रिलेशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम बोलता है इफ ए फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी इन द डोमेन ऑफ एफ देन इट इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। हम यहां लिखेंगे एज द फंक्शन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ डैश सी एग्जिस्ट फाइनेटली। नाउ हम क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाय मैंने एक्स माइनस सी लिख दिया और इधर इनटू में मैंने एक्स माइनस सी कर दिया। देखिए इसी चीज को मैंने यहां लिखा है और इसको मैंने बैलेंस कर लिया है और मैंने यहां पर लिखा कि एक्स इज नॉट इक्वल टू सी। अगर ये सी x और c इक्वल हो जाएंगे तो ये हम नहीं लिख सकते, तो x इज नॉट इक्वल टू c पॉइंट पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ इस पे लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूं और इधर भी मैं लिमिट लगा देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c इनटू x माइनस c। अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा बनेगा लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ c इज इक्वल टू, इधर भी हम लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c इनटू लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस c। ठीक है, अब देखिए ये आपका एज इट इज लिमिट x टेंड्स टू c f of x रहेगा और इस पे तो आपका ये x है नहीं तो ये आपका माइनस f of x ही होगा, f of c ही रहेगा इज इक्वल टू, तो ये वाला का वैल्यू हमने हमें कितना पता है, इसका वैल्यू f डैश c होता है तो हम यहाँ पे f डैश c लिख देंगे और x का वैल्यू c बिठाएंगे तो ये आपका बन जाएगा जीरो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका क्या बन गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये देखिए ये वाला हमारा डेफिनेशन था कंटिन्यूटी का। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि
ये फंक्शन एट द पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस है. हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी. तो हमने क्या देखा कि जब ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी पे. तो देखिए, जब एक फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूअस होगा. लेकिन कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होने के गारंटी नहीं देता है ये थ्योरम. मतलब कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू. मतलब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. तो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. मान लीजिए मैंने ले लिया एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स. तो दरअसल मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा था, ये एक इस टाइप का था भी. और हमें क्या पता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो इसका कंटिन्यूटी हमने चेक किया था कंटिन्यूटी में. तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. तो इसका डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम चेक करने जाए तो दरअसल इस फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो माइनस x इफ x इज लेस देन जीरो. तो इसका हम डिफरेंशिएबिलिटी निकालेंगे एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे. तो देखिए, हम लिखेंगे एल एफ डैश जीरो, इसको हमने लिख लिया लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, हमने यहां पे दे दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. तो यहां हमारा क्या होगा, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच. अब हम यहां पे इसका वैल्यू बिठा के देखते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस. देखिए एच का वैल्यू जीरो के पास पहुंच रहा है नेगेटिव साइड से, और हम यहां पे फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो. अब यहाँ पे f ऑफ जीरो प्लस h है और h हमारा नेगेटिव साइड से पहुंच रहा है. दरअसल ये क्या हो रहा है, ये हमारा नेगेटिव क्वांटिटी हो रहा है. आप समझ लीजिए, देखिए अब हम बोल रहे हैं कि h का वैल्यू जो है वो जीरो से छोटा है, और हम यहाँ पे h प्लस जीरो लिख रहे हैं, तो जीरो प्लस जीरो होगा, तो ये दरअसल क्या होगा, दिस वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन जीरो होगा. तो लेस देन जीरो होने से हमारा फंक्शन हो रहा है माइनस एक्स, तो हम इस फंक्शन को पकड़ रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो हम यहाँ पे बिठाएंगे एक्स के जगह पे जीरो प्लस एच, तो ये हमारा क्या बनेगा, जीरो प्लस एच और आगे आएगा हमारा माइनस माइनस. अब एफ ऑफ जीरो मतलब इक्वल एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो हमारा यहाँ पे होता है, और हम एक्स में अगर जीरो बिठाते हैं तो ये हमारा क्या लेगा, जीरो लेगा. तो ये हो गया हमारा जीरो डिवाइडेड बाय एच. तो अब देखिए इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, ऊपर माइनस h नीचे प्लस h, इसका हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस माइनस वन, और जिसका वैल्यू कितना होगा माइनस वन, ये आपका आ गया माइनस वन. ठीक है, अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, r f डैश जीरो पे निकालेंगे. तो ठीक इसी तरह से लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस लिखेंगे. अब यहाँ पे हमारा डेफिनेशन बोल रहा है ये जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय एच होगा. अब देखिए आप एच का वैल्यू जीरो से बड़ा पकड़ रहे हैं, क्योंकि आप जीरो के पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो के राइट साइड से ही अप्रोच कर रहा है. तो अब यहाँ पे जब एच प्लस जीरो बोलेंगे तो ये ग्रेटर देन क्या होगा, जीरो प्लस जीरो. दरअसल एच प्लस जीरो जो है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हम क्या पकड़ेंगे, फंक्शन ऊपर वाला पकड़ेंगे. अब f ऑफ x इज इक्वल टू अगर x होता है तो हमें x के जगह पे बिठाना है जीरो प्लस h, तो हमारा ये कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, यहां बन जाएगा जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो का वैल्यू तो आपका जीरो होगा डिवाइडेड बाय h. तो ये आपका क्या बन रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस h बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, ये हो गया आपका प्लस वन और इसका वैल्यू आएगा प्लस वन. क्या हमारा एल एफ डैश जीरो और आर एफ डैश जीरो का वैल्यू क्या सेम आ रहा है, जी नहीं, ये दोनों डिफरेंट हैं. तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो पे. सो एफ डैश जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट. अब यहां पे एक चीज देख लीजिए, ग्राफ से हम बोल सकते हैं
क्या मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? देखिए ये टेंजेंट, ये भी एक्स एक्सिस भी इसका टेंजेंट बन सकता है। ये लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तब भी टेंजेंट बनेगा, ऐसे ड्रॉ कर दूंगी तभी टेंजेंट की तरह होगा। सो इसको हम टेंजेंट नहीं बोल सकते। तो शार्प एज पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा कर्व स्मूथ होना चाहिए। यही डिफरेंशिएबिलिटी हमें बताता है कि किसी भी कर्व का स्मूथनेस चेक करने के लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी को यूज करते हैं। तो दरअसल डिफरेंशिएबिलिटी हमें सिर्फ इतना बताएगा कि कोई भी कर्व आपका वो स्मूथ है या नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। अब हम एक सम देखते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आपको यहाँ पे दिखाना है कि द फंक्शन मॉडुलस ऑफ x माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू वन। दरअसल हमने अभी इससे पहले भी जो सम किया था वो भी मॉडुलस वाला था, सिमिलर और ले रहे हैं। तो यहाँ आपको चेक करना क्या है, हमें बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट x इज इक्वल टू वन पे। तो दरअसल आपका फंक्शन दिया क्या गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, और ये वन माइनस एक्स कब, जब x का वैल्यू लेस देन वन होगा। और हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट द पॉइंट x इज इक्वल टू वन पे। तो हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं एल एफ डैश वन। तो डेफिनेशन हमारा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ वन प्लस h माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई h। अब हम यहाँ पे इसका वैल्यू बिठाते हैं। देखिए h का वैल्यू टेंस टू जीरो माइनस, मतलब हम h का वैल्यू जीरो के पास अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट साइड से कर रहा है। तो ये वाला वैल्यू जो होगा वन से छोटा होगा। दरअसल हम इसको ऐसे समझते हैं, देखिए h का वैल्यू लेस देन जीरो है। अब h के साथ में अगर हम वन ऐड करते हैं तो ये वन प्लस जीरो होगा। तो ये असल में क्या बन रहा है, h प्लस वन जो है वो लेस देन आपका कितना बन रहा है, वन बन रहा है, मतलब वन से छोटा। मतलब ये जो अंदर वाला चीज है वो क्या है, x का वैल्यू है, और x का वैल्यू क्या हो रहा है, वन से छोटा। तो मेरा फंक्शन में x का वैल्यू वन से छोटा होने से फंक्शन हमारा क्या बन रहा है, वन माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में इसको हम बिठा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां जब आप बिठाएंगे तो ये आपका बन जाएगा वन माइनस एक्स का वैल्यू आप डाल रहे हो वन प्लस एच, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए ऐसे, और माइनस एफ ऑफ वन, मतलब x का वैल्यू वन होने से फंक्शन आपका ये बनता है। तो वन माइनस वन इसका वैल्यू कितना होगा, जीरो। तो ये आपका जीरो हो गया डिवाइडेड बाई h। तो ये बाद में चल के आपका क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, ये आपका हो जाएगा वन वन कैंसिल, ये माइनस एच डिवाइडेड बाई h। तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस माइनस वन, जिसका वैल्यू आपका आएगा माइनस वन। अब उसी तरह से हम यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका बनेगा कितना, आर एफ डैश वन इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय एच। अब इसमें आपका एच का वैल्यू जो है वो जीरो प्लस बोल रहा है, मतलब आप एच का वैल्यू जीरो से बड़ा बोल रहे हैं। अब वन प्लस एच आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, वन प्लस जीरो, ये वन से बड़ा हो रहा है। जब ये वन से बड़ा हो रहा है तो आपका फंक्शन कौन सा बन रहा है, ऊपर वाला। अब आप x की जगह पे वन प्लस एक्स डाल रहे हैं, सॉरी वन प्लस एच डाल रहे हैं। दरअसल आपका फंक्शन क्या बन रहा है इस वक्त, x f of x is equal to x minus 1 बन रहा है, और आप x की जगह पे क्या डाल रहे हैं, वन बाय वन प्लस एच। तो ये आपका वन प्लस एच माइनस वन ये बनेगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वन प्लस एच माइनस वन, इसको हमने लिख लिया। और f ऑफ 1 का वैल्यू आपका जीरो बन रहा है, क्योंकि आप जब यहाँ पे 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो होगा, ये जीरो हो गया डिवाइडेड बाय h। आगे चल के ये आपका क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, अब आप ये 1 1 कैंसिल कर दीजिए, h बाय h हो गया। तो ये आपका बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस 1, तो लिमिट इसका 1 का वैल्यू आपका 1। तो ये एल एफ डैश वन और आर एफ डैश वन, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू आपका इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ डैश वन डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में इसी तरह के सम पूछे जाते हैं, और
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।